चलो यार आप फ्लाइंग किस दे दी लड़की ने। अच्छा बोल करना फ्लाइंग किस। अगर आपको सरदार जी से डेट करने का चांस मिले किसी लड़के के साथ, सरदार बंदे के साथ, तो क्या आप डेट करोगे? मैं रहता है टेंशन में, रहते हैं टेंशन में, रहते हैं टेंशन में, रहते हैं। तू तो मम्मी को लग रहा है तुम ही करोगी, तेरे शूटरों का किसी भी रोड पे कोई भी, आप इंडिया के अंदर चेक कर लीजिए ये चीज़ कि आपको कोई भीख मांगने वाला सरदार नहीं दिखेगा, लेकिन आपको रिक्शा चलाने वाला सरदार जरूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके कमाना जानता है और कमाने के बाद लोगों की हेल्प करना भी वो जानता है। उनका स्टाइलिंग, उनका लैविश तरीके से रॉयल वेडिंग, सो दिस इज ऑल राजपूत। बड़े बड़े महल आते हैं। एंड फ्रॉम मराठी यू नीड टू बी वेरी वेरी बोल्ड एनफ। ये बात तो सही है, जो भी मराठी का जब चले जाता कोई दिक्कत नहीं है मराठी भाई। दे आर बोल्ड एनफ, दैट इज देयर बेस्ट क्वालिटी, वेरी बोल्ड एनफ। ये बात तो सही है, जो भी मराठी का जब चले जाता कोई दिक्कत नहीं है मराठी भाई। दे आर बोल्ड एनफ, दैट इज देयर बेस्ट क्वालिटी, एंड दे डोंट फियर एनीथिंग। बिल्कुल नहीं है। बड़ा पाव। ओहो, सांभर वड़ा तो मैं खाता हूँ कभी, बट ठीक है बड़ा पाव आता है। सेकंड इज, आज हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे अबाउट रेत की नाव लेकर समुंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। तो गाइस आज हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे अबाउट इसी राजपूत लोगों के बारे में कि क्या सोचते हैं दिल्ली के लोग अबाउट राजपूत। लेट्स गो। व्हाट द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड व्हेन यू लिसन द वर्ड राजपूत? I think राजा महाराजाज एंड थिंक सो, दे आर रियली जेंटलमैनली टाइप। मुझे वो बहुत जेंटलमैन टाइप लगते हैं। रानाज एनकाउंटर वाली बात बताई जैसे। सो आई वंस मेट दिस वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ अ गाय हु वाज अ राना, एंड ही वाज अ वेरी नाइस गाय। आज तक मैंने जितने लड़के देखे उनमें से सबसे अच्छा था वो। सबसे अच्छा राना? या सबसे अच्छा जी राना, राना राना राना। लॉट ऑफ पीपल इन हरियाणा हुआ राजपूत, बट मोस्टली देयर जाट्स, एंड यू फाइंड राजपूत्स इन ऑब्वियसली यू सेइंग राजस्थान, एंड देन उत्तराखंड आल्सो हैज लॉट ऑफ राजपूत्स। ऑलराइट, इस राजपूत बंदे को सारी स्टेट के पता कहाँ कहाँ है हम बसे। काफी लाविश होता है, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट राजपूत द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन माय माइंड इज लाइक उनकी ज्वेलरी। इट्स लाइक अगेन लाविश, देयर वेडिंग आर वेरी लाविश। इनफैक्ट वेडिंग सीजन में अगर आप इस टाइम पे अगर उनके राजपूत की उसमें जाते हैं, लाइक उदयपुर इज वेरी कंसर्न अबाउट लाइक उनका खाना, उनका स्टाइलिंग, उनका लाविश तरीके से रॉयल वेडिंग, सो दिस इज ऑल राजपूत। बड़े बड़े महल आते हैं फिलहाल तो यही आता है, और हैवी ज्वेलरी आती है। राजपूत के नाम से बस समय याद आता है चित्तौड़ याद आता है, राजा महाराजा याद आते हैं, और बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजा और पगड़ी वाले राजा याद आते हैं, और जो 6 फुट से भी ज़्यादा होते थे, एक लंबी सी उनकी तलवार लटकती रहती थी, और रानियां पूरी शाही जो होती हैं ज्वेलरी के साथ लदी हुई रहती थी ऊपर से नीचे तक, और उनका बोरला माथा टीका ये सब याद आता है। ये सब याद आता है बिल्कुल, राजस्थान का नाम लेते ही ये सब याद आता है। यही आती है, दे आर वॉरियर्स, दे आर फाइटर्स, सो राजपूत तो आदि राजपूत फॉर मी फाइटर्स। या हाउ यू आइडेंटिफाई अ पर्सन कि सामने वाला बंदा या बंदी राजपूत है? कैसे आपको मतलब पता कैसे लगता है आपको यार कोई जा रहा हो यार? चलने से पता चल जाता है, चाल ढाल से पता चल जाता है, मुंह खोलते ही पता चल जाता है ना यार। अच्छा। जो भी उनके पास होता है उसको शो ऑफ करते हैं। या आई थिंक, आई एम नॉट श्योर लाइक कि सब ऐसे करते हो, बट मोस्ट ऑफ द राजपूत आई थिंक दे शो ऑफ अ लॉट। एटीट्यूड वाले होते हैं वो लोग। एटीट्यूड या by the looks okay, exceptions it can it always can be, there okay exceptions no, are can always be there ek minute bhai yahan pe ladna mat even
इवन अ पंजाबी कैन लुक लाइक अ राजपूत और अ राजपूत कैन लुक लाइक अ पंजाबी. सो लुक्स कांट डिफाइन इफ अ पर्सन इज अ राजपूत और नॉट. ओके, फंस गई लड़की. फंस गई लड़की. एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स हैं द पीपल हु आर राजपूत, उनको तो ऑब्वियसली ऐसे आप नहीं पहचान सकते, लेकिन हाँ अगर आप वेडिंग में बहुत अच्छे से उन्होंने ज्वेलरी वूलरी अच्छा पहना हुआ है देन यू कैन से कि हाँ, तब तो पहचान सकते हैं ना वेडिंग कि हाँ यार ये तो राजपूत है. कर्ल्ड अप मस्टैश इज टॉल इज हैज दैट नाइस बिल्ड मे बी सो या समथिंग लाइक दैट. यही लगता है मतलब देख के तो यही लगता है. अच्छा देख के यही लगता है भाई. सेम मेरा भी सेम ही थिंकिंग है लाइक मस्टैशेस बियर्ड यही. शक्ल पे ही कुछ शाही कुछ टपकेगा, कुछ शाही तेज टपकता है उनकी शक्ल. मैं कोई शायद तो नहीं टपकेगा ना, शाही टपकेगा. हनी नहीं टपकनी चाहिए भाई. नहीं नहीं बहुत ज़्यादा कुछ वो कुछ होता है, कुछ तेज होता है उनकी शक्लों पर और लगता है कि ये शाही खानदान के हैं. राजपूत की स्पेशल बात क्या होती है, क्या स्पेशल क्वालिटी होती है उन लोगों की? फियरलेसनेस. डर नहीं होता ना. हाँ ये तो है यार, वो बंदा फियरलेस है मेरा जो फ्रेंड. नाम नहीं लूंगा तेरा, बड़ा खुश हो जाएगा फिर. Of chicken basic, so I think Rajputs, I think staple diet in food it goes with chicken. Okay, you can't miss the hookah. And lal mas is very famous in Rajasthan. That's also another traditional Rajput cuisine. Pe kafi spicy khana hota hai, so I think Rajput ka food kafi spicy hota hai. When I like spicy food, so I think I like Rajputs ka. आई थिंक सो उनमें एथिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एथिक्स को फॉलो करना, उसका अपने वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को एम्ब्रेस करना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, आई थिंक सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ राजपूत. वेरी वेरी बोल्ड एनफ. ये बात तो सही है, जो भी चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं. मराठी मनीष अरोरा हियर अरोरा सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा मैड डैश मनीष स्टाइल की सीरीज में. सर आज हम दिल्ली की लड़कियों से बात करेंगे अबाउट यार मराठी पीपल के बारे में, कि दिल्ली की लड़कियां क्या सोचती है अबाउट मराठी पीपल के बारे में और क्या लगती है उनकी स्पेशल क्वालिटी. अगर हम वर्ड सुनते हो मराठी पीपल तो माइंड में क्या आता है? कांदा आता है, देयर फेवरेट वर्ड दैट इज फॉर अनियन एंड देयर स्पेशल नोज रिंग विच इज वेरी गुड. एंड फ्रॉम मराठी यू नीड टू बी वेरी उनके कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, मेरे को तो बड़े पसंद है मराठी भाई. तो उन्हें किसी की लाइफ से फर्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ से. कंपेयर टू दिल्ली, यहाँ पे लोगों को हर दूसरी की लाइफ पे क्या चल रहा है जानना है. यूजुअली मुंबई गर्ल्स को नहीं पता, मुंबई गर्ल्स खुद ही अपनी स्ट्रगल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहता है. आई थिंक दे डोंट रियली गिव अ शिट फॉर एनी स्पेशल क्वालिटी अबाउट मराठी पीपल मुंबई गर्ल्स. हाँ जैसे दिल्ली की स्पेशल होती है कुछ, पंजाबियों की होती है सबके दिन आपसे मराठी की क्या आपकी होती है स्पेशल क्वालिटी? आने का, जाने का, खाने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं आने का. ये पहले भी पर हुआ था, ठीक है इनको आता है भाई. अच्छा मैम पानी को क्या बोलते हैं? आनी आनी. पानी को आनी बोलते हैं. मैम को पता था, ठीक है. स्पेशल क्वालिटी क्या लगती है आपको मराठी पीपल? मराठी पीपल दे आर स्वीट इनफ टू विच दे आर नोन. ओके वेरी स्वीट. बहुत स्वीट लगते हैं. अच्छा आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे अगर मैं जानना हूं? इट्स वेरी वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई बट श्योरली आई विल डू इट इफ दे द वे दे स्पीक. ओके फ्रॉम द वे दे स्पीक आई कैन आइडेंटिफाई दैट दे आर मराठी. तो ये लड़की तब आइडेंटिफाई कर पाएगी मराठी भाइयों पर, ठीक है. वो रात में कितने बजे भी बाहर घूम सकते हैं, स्पेशली देयर नाइट लाइफ. आई थिंक मैंने सुना है, आई हैव नहीं सच बात है, मैं राहुल तो मुझे पता है. हां लड़कियों के लिए बहुत सेफ है ये बात. हां प्लस देयर नाइट लाइफ. अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसको बोलता चली जा कोई बात ठीक है. और आई थिंक उनकी नाइट लाइफ बिकॉज यहां पे दिल्ली में दैट इज मिसिंग. लव आई कांट एक्सपेक्ट माय सेल्फ. स्पेशल क्वालिटी अबाउट मराठी पीपल, उनकी स्पेशल बात आपको क्या लगती है एक मराठी की जो आपके दिल को छू जाती है? आई लाइक द एक्सेंट अ लॉट एंड दे आर वेरी नाइस पीपल. तो बार की नोक पे रखे वो राजपूत. तो गाइस ये थी हमारी वीडियो अबाउट इसी राजपूताना कल्चर और राजपूत लोगों के बारे में, मराठी पीपल के बारे में. तो यार दिल्ली की लड़कियों ने तो बता दिया उनको मराठी पीपल कैसे लगते हैं और कैसे नहीं, और क्या इस क्या लगती है उनकी स्पेशल क्वालिटी हमारे मराठी मुंबईकर्स की. और गाइस आपको भी लगती है हमें कॉमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार. मैडनेस विद मनीष. और गाइस आप मेरे पीछे भाग सकते हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है. थैंक यू सो मच गाइस. गुड बाय खत्म.